इतना मस्त बनाया यार राइनोज। और देखिए पहाड़ी है आज, पूरा मस्त मौसम है, ठंडा ठंडा। तो आज जा रहा हूँ मैं गुवाहाटी और देखते कितना जल्दी पहुँच जाते हम, ठीक है। तो यहाँ से मैं शुरू हो जाऊँगा डबका से, 1:20 PM है अभी, 1:20। और देखते हैं, पहला स्टॉप मैं लूँगा रहा में एक मतलब बहुत ही अच्छा ढाबा है, दिल ढाबा करके, पंजाबी ढाबा, वहाँ पे चाय पीऊँगा। यहाँ पे तो मैंने लंच कर लिया, नहीं तो मैं वहाँ पे लंच करता, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को वहाँ के। ऐसा लगता है कि मतलब रोटी सब्जी, मिक्स सब्जी और तंदूरी रोटी लो भाई, क्या बोलूँ, इतना मस्त। और फिर वहाँ पे चाय भी पीऊँगा, मैं ऐसे चाय नहीं पीता, दूध की चाय मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पर वहाँ की चाय ऐसा लगता है ना, चाय पियो तो भी कुछ नहीं होता ऐसा लगता है। रोटी सब्जी और फिर चाय, इतना मस्त है दिल ढाबा, पंजाबी ढाबा रहा के बहुत फेमस है। तो आज तो मैं लंच नहीं करूँगा पर चाय पीऊँगा वहाँ पे। तो ये और ये देखिए, 2:20 में मैं वहाँ पहुँच गया, एक्चुअली ढाबा के लिए जो सर्विस रूट है उसको पकड़ लिया, रोहा टाउन छोड़ के ये है। अगर विजय की तरफ से आएंगे तो फिर रोहा टाउन छोड़ के ये सब मतलब टोल गेट और रोहा टाउन छोड़ के फिर एक फ्लाईओवर है उसकी नीचे राइट साइड पर आना पड़ता है, तो मैं सर्विस रूट ले लिया। ये देखिए मैं रहा पहुंच गया, रहा इस ढाबे के सामने ही जुबिन और पापन का ग्रेफिटी है। ओ वाओ, क्या बाइक चलाया भाई उसने। ये है ढाबा, आ सकते हैं यहाँ पे ट्राई करते, बहुत ख़तरनाक ढाबा है, खतरनाक मतलब मस्त अच्छा बनाता है। ये हो गया, लिखा है ढाबा हाईवे, और गूगल पे शायद दिल ढाबा मारेंगे तो आ जाएगा। ये सर्विस रोड से मैं जा रहा हूँ, हाईवे पे उठूँगा फिर निकल पड़ूँगा फिशरी कॉलेज। यहाँ पे है रोहा फिशरी कॉलेज, ये है दिल ढाबा लिखा हुआ है। देखिए इस साइड से आएंगे तो दिल ढाबा लिखा होता है, उस साइड से जाएंगे तो ढाबा दी हाईवे क्रॉस का, क्रॉस कर लिया तो भाई लोग अभी टाइम हुआ 3:50, मैं निकला था वहाँ से 2:40 को, तो मतलब 88 किलोमीटर मैंने कुछ 1 hour 10 minutes में मैंने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मतलब ये जो NRL जोराबट है बहुत ही मतलब साफ़ सुथरा है, पेट्रोल भी भरना था, बाथरूम भी जाना था मेरे को, तो मैं चला गया बाथरूम कर लिया। और बीच में सोचा था मैं गाड़ी को मतलब ये करूँगा थोड़ा रेस्ट दूँगा, पर क्या वो जगह मिले ही नहीं, और मतलब कहीं सोचा था रुकने का पर ऑप्शन ही नहीं मिला, तो आ गया। पर इतना देर चलाना अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत ही गर्म होता है गाड़ी। और यहाँ पे आ गया तो मेरे को अच्छा लगा, चलो NRL पहुँच गया जोराबट। जो टॉयलेट बहुत ही साफ़ है, मतलब फिनाइल वगैरह लग मार के रखते हैं, और पेट्रोल भी तो कम सस्ते में मिलता है। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ से गुवाहाटी से तो 300 का भरता हूँ तो मैं घर पहुँच जाता हूँ आज, पर वहाँ पे 350 का भरा फिर भी नहीं, मतलब जोराबट तक ही पहुँचा, गुवाहाटी तक पहुँचा ही नहीं, मेरा रिजर्व में आ गया। तो मैं सोचा चलो भर लेता हूँ, एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे NRL जोराबट। और बहुत देर चलाया, गाड़ी भी गर्म हो गया, और दूसरी बात गाड़ी भी गर्म होता है, और एक प्रॉब्लम होता है मेरे को, ये देखिए गाड़ी चलाता हूँ बहुत देर चलाया तो इंजन गर्म होता है और फिर ये हो जाता है मेरे को। तो यहाँ पे मैं कुछ 10-15 मिनट रुकूँगा, 10 मिनट ही रुकूँगा और फिर निकल जाऊँगा। इतना मस्त बनाया यार राइनोज। और देखिए पहाड़ी है आज, पूरा मस्त मौसम है, ठंडा ठंडा। ये देखिए मस्त बनाया, ये देखिए मस्त बनाया, इतना सही बनाया, अच्छा है, बहुत ही काफ़ी बड़ा भी है NRL, और मतलब बहुत सारे पंप्स हैं यहाँ पे, बहुत ही मस्त है। मोदी जी बोल रहे सही से मास्क पहने, तो सही से मास्क पहनना चाहिए। और ये हुआ 4:10, और मैं NRL जोराबट से गुवाहाटी गया, देखते कितने
देखते अभी कितने देर में गुवाहाटी पहुंच जाते। 4:10 में मैं निकला जोराबाट से, एनआरएच जोराबाट। चलो ये हो गया गुवाहाटी के बहुत ही फेमस सीन, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। तो मैं फाइनली पहुंच गया मेरे लोकेशन पे। जोराबाट से कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है ट्रैफिक, गुवाहाटी की ट्रैफिक, शाम की ट्रैफिक। तो लोकेशन पे पहुंच गया, तो मैं मेरे लोकेशन से जोराबाट तक 138 किलोमीटर मैंने 2 घंटा 10 मिनट में कवर किया। ठीक है, 138 किलोमीटर से 2 hours 10 minutes। तो इतना स्पीड में, एक्चुअली 1900 स्पीड्स में मैं इनक्रेज नहीं करता हूँ, और मैं मतलब मेरे कंट्रोल में चलाता हूँ। तो क्या होता है आपका एक इन, जहाँ तक मुझे लगता है जब आप राइडिंग करते हो तो आपका एक मतलब कंट्रोल स्पीड होता है, जिससे आपको पता चलता है कि इस स्पीड में ब्रेक मार सकता हूँ मैं, या तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वो 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, और गाड़ी की वेट के हिसाब से वो आपको फील होता है। तो अगर आप उस स्पीड तक जाते हो, ऐसे तो रिस्क होता ही है गाड़ी में, कहीं पे भी जाने में रिस्क होता है, फिर भी उस कंट्रोल स्पीड में आप जाते हो तो थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हम मैक्सिमम कंट्रोल से भी मैक्सिमम स्पीड में चले जाते हैं। जैसे मान लो आज मेरे को लग रहा था 90 तक मेरा कंट्रोल है, मेरे गाड़ी की वेट और मेरे ड्राइविंग स्किल के हिसाब से मेरे को लग रहा था कंट्रोल रहेगा। अगर मैं देखता हूँ कि बाजू से एक गाड़ी मतलब ओवरटेक कर रहा है, मैं 100 में दे देता हूँ, तो फिर वो रिस्क बढ़ जाता है। और आपको पता चलता है कि कंट्रोल स्पीड से ज़्यादा अगर जाते हो स्पीड में, तो आपको पता चलता है भाई ये मेरे कंट्रोल स्पीड से ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, तो वो रिस्क हो जाता है। और कंट्रोल स्पीड में जब जाते हो आप, मतलब इस पर नहीं देखते हो स्पीड में कितने में जा रहा है। मैं ऐसे ही चला रहा था, कंट्रोल स्पीड में मुझे लग रहा था, और फिर सडनली मैंने देखा नहीं वो तो 90-92 है, फिर भी ठीक है, इतना ठीक है। पर जब जब आप स्पीडोमीटर देख के चलाते हो कि भाई मेरे को 100 में जाना है, उस मतलब 105 में जाना है, 90 में जाना है, या तो 85-90 जो भी है, आप अगर टारगेट कर ले तो इस स्पीड में जाते हो जाने का, तो क्या होता है आपको वो कंट्रोल स्पीड की फील हट जाता है, और फिर आपका टारगेट पे आप लग जाते हो। वो बहुत रिस्की होता है। बहुत पहले मुझे याद है, हम मतलब एक ऐसे ही बैठे हुए थे, तो एक बंदा काफ़ी सीनियर था, तो उनका नाम मैं भूल गया, वो बता रहे थे एक चीज़ कि अगर आपको फील होता है कि स्पीड में चला है ना, तो चलाओ, 80 में चलाओ, 90 में चलाओ, 100 में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर किसी को ओवरटेक करने के लिए आप करते हो, तो फिर वो रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं रहता तब। आपका टारगेट होता है भाई उसको पीछे करना। तो इसलिए बोलते किसी को कंपटीशन में नहीं चलाना है, कि कंपटीशन में 100 में नहीं चलाना है। अगर आपको फील हो रहा है चलाना है तो चलाओ ऐसे टाइम, फिर भी स्पीड में चलाना तो गलत ही है। मैं ऐसे ही 80-90 के आसपास चला के आया, और मुझे थोड़ा जल्दी भी आना था, शाम को ठंड हो रहा था तो जल्दी पहुंचना था, तो इसलिए मैं आ गया। और ऑलमोस्ट मैं कंट्रोल स्पीड में ही चलाया, मैं उसके ऊपर नहीं गया, जब तक जहाँ तक मुझे लगा कंफर्टेबल है, मतलब कंट्रोल में है, तो मैं उसी स्पीड में ही चलाया और फिर पहुंच गया। चलो बाय बाय।